that also different than that also your language is different, your vocabulary is different, and your writing skill is different. You don't equate each with others. Are you getting my point? Don't compare like this. So jahan zarurat hai kahan zarurat hoga, maine simple funda kaha. When you claim something unusual, uncommon, कभी आप ऐसे कुछ सेंसिटिव इश्यू की बात करते हैं, देन ओनली यू कैन साइट और एल्स वेल राइटिंग जनरलाइज थिंग्स, जनरलाइज थिंग्स. रोहतक अच्छा है, स्वच्छ है, दिल्ली के नजदीक है, जनरल बात है, डोंट साइट. क्योंकि ऐसा ना हो आपका पूरे आर्टिकल साइटेशन साइटेशन होके खत्म हो जाएगा और आपका अपना कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं. ऐसे भी हो सकता, किसी एक व्हाट्सएप में सर सर पूरे को पूरे में अगर साइट कर लूं, देन व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन, भाई आपने क्या कंट्रीब्यूट किया. व्हाइल राइटिंग आई एम ऑल्सो इक्वली कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी, टू दिस एकेडमिक वर्ल्ड. अगर मैं साइटेशन साइटेशन के बाद साइटेशन दे दू, देन हाउ मच अमाउंट ऑफ लिटरेचर टू बी साइटेड. व्हाइल साइटिंग मैं किसी और किताब से अगर उधार लेता हूं, बोरो करता हूं साइटेशन के लिए, कितनी सेंटेंसेस, इज इट वन सेंटेंस, इज इट वन वर्ड, इज इट ए पैराग्राफ, इट इज ए वन पेज. देर ऑल्सो वी आर नॉट सर्टन अबाउट कितने अमाउंट ऑफ लिटरेचर. प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए एंड वी आर कमिंग टू द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द फर्स्ट लेक्चर. There is no hard and fast rule में कितने amount of literature उधार लेनी चाहिए. There are two kinds of author. Beginning author, पहली पहली जो आप लेख है, आप क्या चाहेंगे. Normally हमारे students का अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं. सर लिखा नहीं जाता है, 10 पेज कैसे बनाए, तो हम ज्यादा ज्यादा साइड कर ले ताकि पेज भर जाए. मेरे स्टूडेंट्स कहते, मैंने कहा ऐसा तो कुछ रोल नहीं, कोशिश करो कम से कम. सर कम से कम कितने लाइन, कम से कम बोल के कितने लाइन, ऐसा कुछ लिखित नहीं है. बट द गोल्डन रूल इज ट्राई टू टेक मिनिमम लिटरेचर फ्रॉम अदर सोर्सेज. मिनिमम, व्हाट इज मिनिमम, इट डिपेंड्स अपॉन ऑथरशिप एक्सपीरियंस ऑफ द ऑथर्स. हाँ यानी मिनिमम, सो दैट यू क्लेम दैट इट इज लार्जली इट इज माई कंट्रीब्यूशन और मेरे लिखा हुआ, क्योंकि ये मेरे आर्टिकल है और मेरे रिसर्च पेपर है, इसमें मेरे कंट्रीब्यूशन है. ओके, एंड मिनिमम मीन्स दैट कुड बी इन वन वर्ड ऑल्सो. एक वर्ड भी हो सकता है, एक लाइन भी हो सकती है. इज दैट क्लियर? डिपेंडिंग अपन वॉट काइंड ऑफ आर्टिकल यू आर राइटिंग, वॉट काइंड ऑफ ऑथर यू आर, वॉट इज यूर एक्सपीरियंस, वट इज योर नॉलेज बेस, सब्जेक्ट के बारे में कितना जानते हैं. एंड अनदर एस्पेक्ट इज बींग एडेड, वेयर आर यू पब्लिशिंग योर पेपर. ये भी बात है, आप कितना भी साइट कर लो, झज्जर जर्नल और कलानूर जर्नल शायद आपको छपा देंगे. सपोज यू आर पब्लिशिंग इन ए गुड वेरी एक्सपीरियंस और रेप्यूटेड जर्नल, उनका एडिटर आपको रोक देगा, जैसे नहीं चलेगा. बात समझ में आ रही है? ये सारी चीज फैक्टर्स जो है उसमें फर्क डालता है. एडिटर कहेगा नो 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 नो, ऐसा नहीं, साइटेशन लेस करो. बस मैं आई एम सेटिंग एन एग्जांपल. मेरे एक रिव्यू, एक एमराल्ड ग्रुप है, एमराल्ड ग्रुप जर्नल पब्लिशिंग, उसमें एक मेरे रिपोर्ट छप रहा था से 10 ईयर्स बैक. आई एम टेलिंग यू, ए कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन मुंबई. आई एम सेटिंग स्मॉल एग्जाम्पल. कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन मुंबई एंड वेयर किरण बेदी द लेडी आईपीएस ऑफिसर वॉज चीफ गेस्ट. कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने एक लाइन जोड़ दिया, द फर्स्ट लेडी आईपीएस ऑफिसर वॉज, इंडियंस को थोड़ा वो होता है ना, फर्स्ट लेडी आईपीएस ऑफिसर वॉज अ चीफ गेस्ट. वहां पे रिव्यूअर का, एडिटर का मेरे पास आ गया, एक येलो बोल्ड करके उसने मार्क लगा के, वॉट दिस आईपीएस ऑफिसर वॉज डूइंग इन योर कॉन्फ्रेंस. That means उसको रिव्यू करो. She may be a lady IPS officer or first IPS officer, but you are reporting a conference. हाँ या नहीं? You are reporting a conference. So फिर then I remove that sentence, it was published. So depending upon
आप कितने भी इधर उधर की बातें करें, डिपेंडिंग ऑन व्हिच प्लेटफॉर्म यू आर पब्लिशिंग योर रिसर्च पेपर, व्हिच पब्लिशर इज पब्लिशिंग योर, देर आर पब्लिशर्स, आप हिस्ट्री के अंदर फिजिक्स लिखो, फिजिक्स के अंदर इतिहास लिखो, वो किताब छप जाए। अब रीड करिए, देर आर मेनी बुक्स इन लाइब्रेरी, एनी लाइब्रेरी गो, देर आर यू नो दिल्ली में इतने पब्लिशिंग हाउस ऐसे पान दुकान जैसे, गो टू दरियागंज, पान दुकान जैसे पब्लिशर से कुछ भी दे दो छपा दो, फिर आपसे मांगते हैं 20,000 रुपया दे दो हम आपको छपा देंगे। आप 20,000 ऑथर देगा उल्टा और वो आपको छपा देगा, पढ़ेगा तक नहीं। होटल मैनेजमेंट के उधर फिजिक्स ही लिखा होगा सोलर सिस्टम के बारे में, फिर भी छपा देगा, रील के लिए। सो एनी ऑल दीज इश्यूज एंड फैक्टर्स आर इन्वॉल्व राइटिंग ऑथर द टॉपिक देन साइटेशन यू आर डिस्कसिंग देन ओनली सभी लेके आई मीन क्यूमुलेटिंग ऑल दीज फैक्टर्स योर राइट ऑफ मे बी बुक रिसर्च पेपर कैन बी गुड एंड द स्टूडेंट्स द रीडर्स विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग दैट इन एकेडमिक राइटिंग बिकॉज देर आर नॉन एकेडमिक राइटिंग्स नॉवेल्स एंड ट्रेवलर्स एंड अदर्स फिक्शंस पोएट्री आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट इन एकेडमिक राइटिंग मीन्स थिंग्स विल बी बेटर आर्टिकल पीपल विल स्टार्ट रीडिंग ओनली वेन यू साइट अदर सोर्सेस और विद देयर आई मीन सोर्स डिटेल्स इन टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस और वर्क साइटेड एंड हाउ टू साइट टेक्निक्स एवरीथिंग विल डू इट इन अवर नेक्स्ट स्टेज ओके सो व्हाट आई कन्वेड यू व्हाट वाज टाइम सो अनदर 5 मिनट्स सो विल हैव टी देन विल कम बैक ओके सो इन माय रिव्यूइंग माय सेशन विथ यू दैट इन एकेडमिक राइटिंग्स डोंट क्लेम यू आर द ओनली ऑथर द फर्स्ट थिंग डोंट क्लेम एंड यू आर द ऑथेंटिक व्हाइल राइटिंग व्हाइल प्रूविंग योर आर्गुमेंट प्रूविंग योर थीसिस द मेन पार्ट ऑफ योर आर्गुमेंट व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू कन्वे थ्रू योर रिसर्च पेपर्स और थ्रू योर बुक्स गिव साइटेशंस गिव आर्गुमेंट्स सपोर्टिव आर्गुमेंट्स सपोर्टिव आर्गुमेंट्स फ्रॉम अदर सोर्सेस इवन इफ आई क्लेम आई कैन क्लेम दैट ताजमहल वॉज बिल्ट बाय अकबर आई डोंट से दैट इट इज ट्रू नाइदर आई बिलीव दैट इज ऑल्सो ट्रू दो जो से ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहां इन एकेडमिक्स एंटर एकेडमिक्स विद द कंक्लूडिंग रिमार्क्स एंटर एकेडमिक्स इज ए डिबेट एंटर एकेडमिक्स इज ए डिबेट एवरी नाउ एंड देन द नॉलेज इज कम्स टू बी ट्रू नाउ मे बी फल्सिफाइड द नेक्स्ट मोमेंट समवन सेज दैट इज चैलेंज्ड नो दिस इज नॉट ट्रू एंड न्यू थिंग्स हैज कम आई साइटेड 2-3 एग्जाम्पल्स फ्रॉम सोशल साइंस फ्रॉम हिस्ट्री एज वेल एज द साइंस The knowledge about solar system, the sun, of course the earth was static and the sun revolves around, then new thing came up, the sun is static, the earth revolves around, never know, something new may come up tomorrow or later. So entire academics is a debate, newer and newer things. So whenever you claim something, you claim with the last sentence of my lecture is, I conclude with this golden line rather. Whenever you claim something, claim with supportive argument. Supportive arguments. Technically we call it citations. Then only the readers will find it interesting. To read and to believe you as an author. Oh, Nirmal Kumar Swami, so and so, XYZ writes well. See, so many references, so many citations. Okay? And those authors claim that without a citation I can prove something, maybe the readers will reject.
फ्रेंड्स विद दिस आई एम कंक्लूडिंग रादर कंक्लूडेड आई एक्सपेक्ट टू थ्री थिंग्स आई मीन फॉर इंटरेक्शन और शेयरिंग योर व्यूज देन वी विल स्टॉप दिस सेशन यस प्लीज क्वेश्चंस और ऑब्जर्वेशन और सो वॉज यस You know, citations, probably this answer will be more clear than in my next lecture, okay? So instead of answering, similar lecture in addition to this, is academic writings and plagiarism. References are called a list of, technically definition, references are list of cited sources. List of, at the end we give, whatever you cite in the text, the sources. Sources need to be given for the verification. I'm a historian and someone is claiming that Taj Mahal was built by Akbar. Obviously, I show interest. What is that book? Who says? Taj Mahal was built by Akbar. I must verify that book. Okay. So, you cite means you the must give the list of sources so that the readers can read and go to those references or sources for verification. Any more, please? Yes. Yes, please. Photographs, images, they can also be cited? Yeah, needs to be. But sometimes, you know, suppose you take a photograph from somewhere, then sometimes you write courtesy. Okay, source. So that is source is okay. Source. But sometimes the photos are not, you cannot even find the source. But you, from sources you have taken, better to mention that. I'll cover all these in my second part of my lecture. With this, thank you so much.